बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स के पास नाम की कोई कमी नहीं होती है और इसके साथ ही उनके पास धन दौलत की भी कमी नहीं होती है। ये स्टार्स लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स की जिंदगी में ऐसा समय भी आया था जब उन्हें कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई थी। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के पास आज के समय में किसी भी सुविधा की कमी नहीं है। उनके पास मुंबई जैसे शहर में चार चार बंगले हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था जब वो कर्ज में डूब गए थे। यहाँ तक कि उनकी कंपनी ABCL दिवालिया घोषित हो गई थी, उन पर 100 करोड़ के करीब का कर्ज हो गया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति ने इस स्थिति से उबारा है। जैकी श्रॉफ ने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम और पैसा कमाया है, पर एक समय ऐसा आया था जब उन्हें पैसों को लेकर दिक्कत हुई थी। जैकी श्रॉफ ने खुलासा किया था कि उन्होंने साल 2008 में फिल्म मेकर साजिद नडियाडवाला से लोन लिया था और समय से वापस नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि जैकी श्रॉफ ने आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए अपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बेच दिया था। एक बार सलमान खान ने भी उनकी मदद की थी। गोविंदा ने इंडस्ट्री में कई हिट फिल्मों में काम करते हुए लोगों के दिलों पर राज किया है। फिर एक समय ऐसा आया जब गोविंदा को फिल्म मिलना बंद हो गई और वो कर्ज में डूब गए थे। उन्होंने इस बात का खुद खुलासा किया था। हालांकि गोविंदा ने सलमान खान के साथ फिल्म पार्टनर में काम करके खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया था। शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में किंग खान और बादशाह जैसे नामों से भी जाना जाता है। एक वक्त ऐसा आया था जब पैसों की दिक्कत हो गई थी। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म रावण को 150 करोड़ में प्रोड्यूस किया था और फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद वो आर्थिक तंगी से जूझे थे। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इस फिल्म के निर्माण के दौरान ब्लैंक चेक भी साइन किए थे।